subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज तां जेड़ा खणी अचूं पिया। हे वीक जेको कयो आहे, सब गेस्ट अचनि पियूं ऐं पंहिंजी रेसिपीज ठाहिनि पियूं। तव्हां बि अची सघो था पंहिंजी फरमाइश पंहिंजी रेसिपी ते असां सां गॾु शेयर करे सघो था। हबीब कुकिंग ऑयल असां सां गॾु आहे, तमामु बहितरीन कुकिंग ऑयल मार्केट में अवेलेबल आहे। बनस्पति घी बि हबीब जो तव्हां मार्केट खां वठी सघो था, इहो यूज़ करे सघो था, आराम सां तव्हांखे मिली वेंदो। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर हर शइ अवेलेबल आहे। ऐं इहे रेसिपीज़ तव्हां एनएक्स जे ज़रिए पंहिंजी किचन में ईज़ीली तव्हां ठाही सघो था। अॼोकी रेसिपी मज़ेदार, उहो गेस्ट ऐं गेस्ट खां पुछंदासीं कहिड़ी रेसिपी ठाहींदी, त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, पूरा वीक करते आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के वीक के थे, ये हैं स्पेशल गेस्ट आएंगे, और जो हमारे कॉलर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हैदराबाद से आई हैं, अपनी शेयर करेंगी रेसिपी मज़ेदार हमारे साथ। और कल 12 बजे रिपीट चलेगा हबीब कुकिंग ऑयल, ईजीली आप ले सकते हैं। हबीब बनस्पति घी मार्केट में अवेलेबल है, खाने बनाए मज़ेदार बनते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर हर चीज़ अवेलेबल है। किचन में चलेंगे और रेसिपी भी करेंगे स्टार्ट, और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँ। आपका नाम? नाज़िया फराज़ हैं, और हैदराबाद से आई हैं, रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी मज़ेदार रेसिपी। क्या बना रहे हैं आज हम? मैं दो डिशेस बना रही हूँ, एक सब्जी है भरे हुए टिंडे, ठीक है, और एक है कोल्ड केक। एक भरे हुए टिंडे है, सब्जी, और एक कोल्ड केक बनाएंगे। कोल्ड केक बेकिंग नहीं होगी ये? जी, ये डबल बॉयलर पे बनेगा। डबल बॉयलर पे बनेगा, ठीक है। पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? पहले हम टिंडे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिंडों के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले टिंडे आधा किलो के करीब जी, इनको छीलें, साफ कर लें, ठीक है। उसके बाद ये मसाले चाहिए होंगे, तीन टमाटर ले लें, ठीक है, दो बड़े प्याज ले लें, ठीक है। आप इन दोनों को चॉप करेंगे। उसके बाद आधा टीस्पून जो है वो कलौंजी, एक टीस्पून चिकन पाउडर, बाकी चिकन पाउडर से फ्लेवर अच्छा आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, और नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक टीस्पून जीरा जी, और ये मिर्चें भी आप अपने हिसाब से ले लें, लेकिन मैंने डेढ़ चम्मच ले लिया है, कोई कम खाता है, ठीक है। और ये कुटा हुआ धनिया है एक टीस्पून, ये भी एक टीस्पून है। हल्दी, लीमू जो है वो एक रस आखिर में जाएगा, कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको कढ़ाई दे दूं और उसको मैं चॉप कर देता हूं। अच्छा, ये ग्रेवी बनेगी जो आप चॉप? थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी, भुने हुए बनेंगे, ठीक है। ऑयल आप लें, मैं सबसे पहले से मसाला बना रहा हूं, आप मुझे चॉप कर दें तो मैं इसे मसाला। टिंडा ठंड का मसाला भरा, ठीक है, थोड़ा आप सेट हो जाएं तो मैं ये चॉप कर देती हूँ, ठीक है। टिंडा ठान पिया, मसाला भरा टिंडा, ये रेसिपी तमाम बेहतरीन है, इनके तहाँ ट्राई कजो गर्मियों के हिसाब से। गर्मियों में वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, प्याज और जो आप कह रही टमाटर दोनों साथ ही कर दूं? अलग अलग करके दो पहले प्याज, क्योंकि प्याज भी सारा मसाला है, ताकि इसको हम पहले भरेंगे, ठीक है। इसके बाद हम टिंडों को करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम टमाटर चॉप करेंगे। डाल दूं मैं इसे किसी बॉल में? या जी, किसी बॉल में डाल दें, उसी बॉल में डाल देते हैं जिसमें से निकाला है, ठीक है, ठीक है। प्याज था, ये प्याज कितना था? एक था मीडियम साइज का, एक बड़ा प्याज था, ठीक है। एक बड़ा प्याज हमने लिया है, और दो से तीन टमाटर, आप एक बड़ा भी ले सकते हैं। प्याज का मसाला बनेगा जी, जी, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया, इसमें ऑयल डाल दें जी, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। प्याज एक अदद चॉप किया हुआ है जी, हाफ कप ऑयल, फाइन चॉप किया हुआ, हाफ कप कुकिंग ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चॉप किया हुआ प्याज सारा आ गया। अब इसी में टमाटर चॉप कर दूं जी। टमाटर कितने थे ये? दो बड़े, दो से तीन, ठीक है, दो से तीन बड़े टमाटर। टमाटर भी चॉप कर देते हैं, इसका कवर कहाँ कर दिया मैंने ये रहा, ठीक है। मज़ेदार रेसिपीज बन रही हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी है ना समझ आ रही है तो। थोड़ा सा फाइन चॉप, ठीक है, ठीक है। एनएक्स का चॉपर यूज़ कर रहा हूँ, फाइन चॉप किए हैं तीन अदर टमाटर,
ये भी हो गया, इसको भी बॉल में निकाल देते हैं। अब प्याज को क्या करना है, गोल्डन करेंगे। प्याज में मैं सारे मसाले डाल के इसको भर दूंगी और बाकी जो बचा हुआ मसाला। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा प्याज को आप फ्राई करेंगी। नहीं नहीं, मैं पहले इसे, ठीक है, मैं वहां जाके निकालता हूँ, आप कर दें स्टार्ट। ठीक है, बसर में मसालो विझी सजो ए टिंडन जे अंदर भरन दियो। टिंडे कट करके जी कट कर लिए मैंने बसर, इसमें मैं कलौंजी और लाल मिर्च। कलौंजी कितनी डाली, एक चाय का चम्मच। लाल मिर्च डेढ़ चाय का चम्मच। डेढ़ चाय का चम्मच। ये धनिया भी डेढ़ चाय का चम्मच। धनिया कुटा हुआ है जी, कुटा हुआ जी। हल्दी एक चाय का चम्मच। हल्दी एक चाय का चम्मच। जीरा जाएगा एक चाय का चम्मच। चाय का चम्मच। नमक तो टू टेस्ट फोर टेस्ट डाल दें। ठीक है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर में थोड़ा नमक होता है। बिल्कुल, चिकन पाउडर अभी नहीं डाल रहे जी, अभी नहीं। ठीक है, टिंडा भरे मसाला भरा टिंडा ठान पिया, हमें ऐसा छाछा विधो है, एक गंढ बसर जी है बिल्कुल फाइन कुटे छजो चॉप कर छजो। हल्दी पाउडर एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च डेढ़ चाय जो चमचो, जीरो एक चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटे विधा एक चाय जो चमचो, कलौंजी एक चाय जो चमचो और लूण हसबे जरूरत। अच्छा, ये मसाला टिंडो में भरेंगे, भर के। ठीक है, टिंडो में मसाला भर के, और इसको किस तरह करेंगे, पहले ऑयल गर्म करके, बस ऑयल गर्म करके जो हमारा बाकी प्याज का मसाला बचेगा ना, पहले उसको डालेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे टमाटर। जब वो ग्रेवी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो उसमें ये टिंडे रख देंगे और बस फिर दम पे। अच्छा, घर में क्या ज्यादा कुकिंग में क्या चीज आप ज्यादा बनाती हैं, घर वाले क्या फरमाइश करते हैं सबसे ज्यादा? हमारे पास बेकिंग और मटन जरा ज्यादा खाया जाता है, मटन ज्यादा खाया जाता है, बाकी सब्जियां इस तरह से खा लेते हैं। अच्छा, स्टफ करके या डिफरेंट करके जी, नॉर्मली वो नहीं जो टिपिकल होती है। मटन में कोई खास स्पेशल डिश जो घर वाले कहते हो फरमाइश, या आपको ज्यादा कढ़ाई, अचार, गोश्त? अच्छा, और इस तरह की चीजें, नरगिसी कोफ्ते हैं, दाल वगैरह? दाल नहीं खाई जाती बिल्कुल भी घर में, कोई पसंद ही नहीं करता। ठीक है, अच्छा, इसको भरना है क्रॉस में जी, क्रॉस में कट लगाने, और जितना आए जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा भरेंगे, क्योंकि ज्यादा भरने से ये फिर टूट जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा ना भरें कि वो नीचे, हाँ, से टूटना शुरू हो जाए, टूट, क्योंकि वैसे ही मसाला इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, बीज वगैरह कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, सब कुछ बस कट लगा के। मसाला भरे टिंडे हैं, प्याज के साथ मसाला बनाया हुआ। ठीक है, एक अदद प्याज था फाइन चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक, या कूट भी सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है, चॉपर नहीं तो आप कूट लें, कूट लें। उसके बाद इन्होंने डाली है कलौंजी एक चाय का चम्मच, सफेद जीरा एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, और हल्दी एक चाय का चम्मच था, लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चाय का चम्मच, नमक हाफ टी स्पून या फोर टेस्ट डाला है, बस यही चीज़ें थी ना जी, बस यही था। और इनको मसाला प्याज में मिला के सारा मसाला इसमें टिंडों में, छः अदर टिंडे हैं, ठीक है, इसके अंदर भरा, बाकी जो मसाला वो ऑयल में भूना जाएगा जी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में टिंडे ज़रा अच्छे भी लगते हैं और मेजॉरिटी घरों में सब्जी खाई जाती है। ठीक है, बस आप ये फ्लेम ऑन कर दें। ठीक है, फ्लेम ऑन करता हूँ और टिश्यू ले लें। ठीक है, फ्लेम ऑन करके, ऑयल कितना लिया आपने? मैंने हाफ कप, हाफ कप ऑयल ले लिया, और इसमें ये जो बचा हुआ मसाला है ये टिंडो के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है गर्मियों के हिसाब से। जब थोड़ा सा ये हो जाएगा तो बस फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ठीक, मैं इसको दम पे रख के फिर अपनी नेक्स्ट डिश स्टार्ट करूंगी, ताकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज़रा इजीली बन जाते हैं। अच्छी तरह भून के, कितनी देर, 2 से 3 मिनट भूनेंगे? बस 2 से 3 मिनट में जी, थोड़ा सा ये सौते हो जाएगी तो बस फिर हम फौरन ही इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। टमाटो पेस्ट निकाल दिया, टमाटो पेस्ट निकाल। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कॉल कर सकते हैं। आप क्लासेस भी दे चुकी हैं? मैंने जी रंगून वाला में दो से तीन क्लासेस दी थी, कुकिंग क्लासेस नहीं, मैंने कबाब बनाए थे और दूध दुलारी। अच्छा, दूध जी, दूध दुलारी इस टाइप की क्लासेस दी थी। ठीक है, रंगून वाला हैदराबाद जी जी। कुकिंग का शौक कैसे है, ज़्यादा आप करती हैं या घर में? नहीं, मुझे शौक था शुरू से ही, तो बस ऐसे ही टीवी से और चैनल से देख देख के सीखा, कुछ क्लासेस नहीं, कोर्सेस किए,
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, टमाटर डालें इसको भूनना जब तक टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। कच्चापन खत्म हो जाए। फरजाना शाकिर है, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कल आई थी जी, कल आई थी जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? थकावट उतर गई, कल शो करके गई। थोड़ा सा क्लीन अप पूछनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वैसे तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही जबरदस्त जो है ना रिस्पॉन्स मिला है जी। और आप मुझे बताइएगा आपके पेज पे कैसा है, क्योंकि मेरे तो उसके बाद बहुत ही अच्छा, मतलब काफी लोगों ने जो है ना पसंद किया है। हाँ। वही घर में मैं बता रहा था, वो जो आपने बनाई थी ना मोती चूर के लड्डू से खीर बनाई थी, मैं घर में बता रहा था कि बनाएंगे घर में। जी जी अच्छा अच्छा। और सब खैरियत जी जी? ये आज जो आपकी गेस्ट आएंगे इनका कैसा रहा सफर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हैदराबाद से आई है जी, मैं पूछ रही हूँ ना इनसे कि वो आपका सफर कैसा रहा? नहीं बहुत अच्छा रहा। अच्छा चले, मैं आपकी रेसिपी देख रही हूँ और जो है ना अभी आप केक बनाएंगी वो मैं जरा देखती हूँ कैसे आप बना रही है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये चिकन पाउडर। अच्छा चिकन पाउडर हम बाद अभी डाल, ठीक है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछूं, अभी डाल देंगे। 1 टीस्पून है जी, 1 टीस्पून। चिकन पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा आता है, और सब्जी में मतलब बच्चे भी खा लेते हैं आराम से शौक से। बस अब मैं इसमें ये रख दूंगी। अच्छा ऊपर से रख के और हल्की आंच कर दूं? बस फिर इतनी हल्की आंच की ये 15 से 20 मिनट में बन जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक दफा उल्टा करूंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा ये थोड़ी देर के बाद। हां बस अभी हमारी ट्राई होगी ये मुझे, ठीक है? टिंडे इन्होंने ऊपर से रख दिए हैं मसाले के साथ, मसाला फिल करके, और इसके ऊपर हल्का हल्का जो मसाला वो रहने दें, फौरन नहीं पलटाएंगी, जब ये बताएंगी तो उसके बाद आपने इसको पलटाना है। कवर कर इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ इसे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, कौन सा केक है ये? कोल्ड केक। कोल्ड केक है, डबल बॉयलर पर बनेगा, ठीक है? इसका सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। ओके, ये पतीले में पानी भर दिया है, इसको भी थोड़ा सा लाइट हल्का कर दिया, ठीक है? बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है टिंडे, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपके गल जाए, ठीक है? अब यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, ये डबल बॉयलिंग पे करेंगे, केक बिल्कुल डिफरेंट सा बन रहा जी। जी। इसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूं। बताएं। ये 20 ब्रांड का नाम ले सकते हैं? नहीं, ये नॉर्मल वाले बिस्किट है, आप लोग समझ जो हार्ड से होते हैं, हार्ड से होते हैं, ये 20 बिस्किट ले लेंगे। और एक कप आपने शुगर लेनी है चीनी, और 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेने कोको पाउडर के, 3 अंडे, 1 टीस्पून आपने वनीला एसेंस लेना है, ठीक है? 1 कप बलाई लेनी है। अच्छा ये तो मैं चूंकि थोड़ा दूर से आ रही थी तो ये क्रीम ली है मैंने, लेकिन आप घर की बलाई ले सकते हैं आराम से, ठीक है? और 1 ही कप हमें पीनट्स लेनी है। बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? छाछा खाएवा बिस्किट्स मिलंदा है, गोल वाला ड्राई हुंदा है, आई सख्त बिस्किट हुंदा है, समझी में आंदा हो? कितने लिए बिस्किट आपने? 20 बिस्किट्स, 20 अदद वीए बिस्किट खाया है। 1 कप खंडा है, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर हुंदा, 3 खंड जो चम्मच, 3 अदद बेटा है, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, 1 चाय जो चम्मच, बलाई केड़ी खपे 1 कप बलाई, जो घर में हम दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो बलाई होती है वो डाली जाती है, ये दूर से आई है तो इन्होंने वो बलाई नहीं लाई, ये फ्रेश क्रीम लेके आए, इन्होंने कहा कि ये डालेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इसमें बलाई, अच्छा इस तरह डालना है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कविता बात कर रही हूँ, जो आपकी गेस्ट है उनकी मेरी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब आप ये ट्राई कीजिएगा, मैं रेसिपी बना रही हूँ। जरूर चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 1 कप क्रीम, अच्छा ये क्या किया था, 1 कप क्रीम में 1 कप चीनी डाली, 1 कप चीनी डाली, और तकरीबन क्रीम आप कह रही हैं कि जो बलाई होती घर में जमाते हैं वो वाली आप यूज करें, ये यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाली है जी, और ये 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर डाला, कोको पाउडर डाला। बहुत इजी केक है, बहुत मजे का केक है, डबल बॉयलिंग पे बनेगा, नो ओवन, नो बेकिंग, कुछ भी नहीं है, बस इनको तीनों को मिक्स करके अब मैं बॉयलर में जब तक चीनी मेल्ट हो तब तक पकाऊंगी। अच्छा अच्छा, अंडे 3 बीट करके रखते हैं,
अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक हल्की आंच पे हल्का कर दूं? जी जी ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक बटूं था, ब्रेक का पूछी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई आहे मज़ेदार टिंडा ठहनि पिया, डबल बॉइलिंग ते केक ठहे पियो। कौन सा केक है? कोल्ड केक। कोल्ड केक बन रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रिज में जाएगा। जी हबीब कुकिंग ऑयल हमारे साथ है, हबीब बनास्पति, मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, यूज़ करें, मज़ेदार खाने बनते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर आपके सामने यूज़ करता हूँ। अब ये हमने जो यहाँ पे डबल बॉइलिंग पे किया हुआ है जी। तो इसमें क्या क्या डाला था दोबारा? शुगर और बलाई, एक कप शुगर, एक कप शुगर, एक कप बलाई और कोको पाउडर 3 टेबल स्पून, बस ये मेल्ट हो गया है इसमें आराम से। अब हम ये जरा दिखाइएगा सामने, इसको दिखाएं, ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया है इस तरह का, ठीक है। एक कप खंड, एक कप बलाई जो खीर के मथा जमंदी है, उन टे खंड चमचा कोको पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसमें अंडे, जो तीन अंडे थे वो तीनों एक साथ डालेंगे और बस मेन काम इसका ये जी डाल दें, तीन अदद अंडे बीट करके इसमें डाल दें। और अंडों का ये कि ये अंडे थोड़ा टाइम लेंगे पकने में, बिल्कुल जब पक जाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें डालनी है। इसको थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा और इसको मेरे थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये बढ़ा लूं। अच्छा आप कह रही थी बर्थडे है बच्चों की? जी मेरा भांजा है और एक भतीजा है, एक है सैद मेमन, उसैद मेमन जी, और एक है रोहान बलोच, दोनों की आज बर्थडे है। रोहान बलोच, उसैद मेमन, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे टू यू, हमेशा खुश रहें। और आप देख रहे होंगे तो हेलो हाउ आर यू। अच्छा इनको अंडे डाल के भाजी आपने कितनी देर पकाना है? तकरीबन 20 मिनट्स पकेंगे। अच्छा इसमें पीनट्स जो है वो बिल्कुल एंड में जाएगा, पीनट्स इसी तरह जाएंगे जी, जी, ये जब हम इनको हटा के और एक बोल में निकाल के सेट करेंगे। अच्छा पीनट्स को बीच से दो किया हुआ है जी, ये मतलब मिलती है इस तरह से। अच्छा इस तरह मिल जाते हैं, और अगर आपको घर में यूज करें तो उनको इस तरह से तोड़ लें, वरना आप बड़े साबुत भी डाल सकते हैं। साबुत भी डाल सकते हैं। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहा है आज? आज केक बन रहा है, स्वीट केक बन रहा है, कोल्ड केक सॉरी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जी टीवी के वॉल्यूम बंद कर दें, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। थोड़ा सा तेज कर। हेलो जी, इस केक का नाम क्या है? कोल्ड केक बना रही हैं और साथ स्टफ टिंडे बन रहे हैं, मसाला भरे टिंडे। अच्छा देखें आप टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद कर रही हैं, आपकी लाइन ड्रॉप कर देंगे ये लोग। देखें लाइन ड्रॉप हो गई, हमेशा टीवी का वॉल्यूम बंद करके दूसरे रूम में जाके बात किया करें। एक बोल देती हूं मुझे इसको विक से, ना विक से आप जरा आराम से कर लेंगे जी। ये इसको अच्छी तरह विक्स करना है ताकि बिल्कुल अंडे इसके अंदर पक जाएं और वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं, कच्चापन खत्म हो जाए ना अंडे का जी जी, और वो आपको फील हो जाएगा कि वो पक गया है, ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तेज आंच भी ना हो, मीडियम से थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, पानी में अच्छी बॉइलिंग आनी चाहिए। बहुत एहतियात से कीजिएगा कि हाथ भी ना जले ना। ये कितनी देर करते रहेंगे इसको? तकरीबन 20 मिनट्स होता है। मैं कर दूँ जी? आप थोड़ा सा कर दें ना, मैं इनको चेक कर लूँ। ठीक है 20 मिनट तक इसको डबल बॉइलिंग का मतलब है कि एक पतीले में आपने पानी डाला, ऊपर से इस तरह आपके पास। जी हैदराबाद से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है केर गलायो पया। आओ हैदराबाद ना, ये तांजी जी का गेस्ट आया ना, ये भेण खराब पे गलाया। अरे सिंधी कितनी अच्छी बोल रही है। मुझी भेण आया। अच्छा ता सिंधी गलाई ना? हां मुखी भी थोड़ी थोड़ी हिंदी आ। तो समझ ना आए तो बलोच। अच्छा बलोच है जी जी जी। छालन गलायो पनी भेण सा ता। हेलो हेलो नादिया। हां मजा आ रहा है? हां बहुत बड़ा कंफर्टेबली मैं सारा काम कर रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पानी और आप कहती हैं आप भी करती हैं कुकिंग? जी जी पाँच ही करती हैं। आप भी आ जाएं किसी दिन? अच्छा चलें अच्छी बात है, चलें थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है ओके चल। अच्छा इसको 20 मिनट तक हमने मिक्सअप करना है अच्छी तरह, बारीक वाली चलाएं तो जल्दी थिक, या अच्छा थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक
अच्छा, आप सिंधी बोल लेती हैं? अच्छा, मैं समझा उर्दू बोलती हैं, सिंधी नहीं बोलती हैं। उर्दू इतनी अच्छी सिंधी बोल रही थी, बिल्कुल क्लियर बोल रही थी। मेरे हस्बैंड भी सिंधी हैं। अच्छा, हस्बैंड सिंधी हैं। वो बच्चे का आपने नाम लिया ना, मेमन? मेमन, वो मेरी नंद का बेटा। अच्छा, नंद का बेटा, ठीक। ये अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अंडे इसमें, बस इसका मेन है कि ये अंडे जब तक नहीं पकते तब तक आपका मतलब हाथ बड़ा चलाना पड़ता है। इसके बाद बस अंडे जब बॉयल हो जाएंगे कुक, तो बस फिर आपका केक तैयार है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा पलट दिया था ताकि नीचे से भी ये जो है आराम से गल जाए। ठीक है, हस्बैंड आपके क्या लाइक करते हैं, कोई स्पेशल डिश कुछ खास उनके आप सोचती हैं कि ये बनाऊं? मेरे हस्बैंड ज़्यादातर, मैंने कहा ना, मटन ज़्यादा शौक से खाते हैं, वैसे सब कुछ खा लेते हैं शौक से। ठीक है, मटन में कोई खास एक ऐसी होती है ना, कढ़ाई ज़्यादा? उनकी मदर भी बहुत अच्छी कुक थी। अच्छा। और वाइफ भी उनको अच्छी मिली कुकिंग करती है, तो माशाल्लाह ऐसे लकी हैं कि इनको। मटन में कौन सी कढ़ाइयाँ बनाती हैं ज़्यादातर? मैं जो नॉर्मली कढ़ाई, नॉर्मल टमाटर वाली ज़्यादा। जी ठीक, बस चेंज करके बनाती रहती हूँ ना, कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते हुए हैं, या नरगिसी कोफ्ते वही स्टफ करके अंडा रख के। हाँ ठीक है। अच्छा, ये बॉइलिंग पे आ गया है, ये हार्ड होना शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है, वो जब हम मिक्स करेंगे ना तो ठीक है, आपको पता। अच्छा, ये चीज़ें सब बाद में डालेंगे? बिल्कुल, जब तो मैं उतार लूँगी ना प्याले में, इसमें ही मिक्स करके और मैं इसको समझे मोल्ड में डाल के सेट कर दूँगी और फ्रिज में रख देंगे हम। तकरीबन 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे, अगर आप चाहें तो इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं 1.5 घंटा। अच्छा, फ्रिज में जब हम रखेंगे तो पहले से रूम टेम्परेचर पाने देंगे? हाँ, पहले ये अभी आ जाएगा फॉरन, क्योंकि डबल बॉयलर बना है ना, ये थोड़ी देर में ही आप देखिएगा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये इतनी अच्छी चीज़ है, बहुत से कॉलर्स हैं, व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि केक बनाना मुश्किल होता है पतीलों में बनाना, या जिनके पास ओवन नहीं है या पतीले में बना रही हैं, तो आप ये वाला केक बनाएं, कितना ईजी है और हर चीज़ वो है जो आपको मार्केट में मिल जाती है। कोको पाउडर ईजीली हर स्टोर पे मिलता है, आप ले लें, बहुत इजी रेसिपी। और घर में बलाई उमन बचती है हमारे घरों में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप ये जो रेसिपी लेके आई है ना, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल इजी रेसिपी है ख्वातीन के लिए, बच्चे भी शौक से खाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में केक आ जाएगा आपके पास और आपको परेशानी नहीं होगी कि आप किस तरह डबल। और अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप उसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। और अगर क्रीम नहीं है, आप क्रीम क्या बलाई आपने खाया घर में, जो बलाई दूध के ऊपर जमती है उसी से, देखें कितना ईजी है, बिस्किट्स हैं, पीनट्स हैं, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। और अगर पीनट्स भी नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल, अच्छा, सकते हैं, एलमंड डाल सकते हैं, आप जो आपके पास अवेलेबल हो, या दोनों, तीनों ही डाल सकते हैं आप। तीनों भी डाल जी, तीनों भी डाल सकते हैं। वेरिएशन जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? वाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? खंडवियाँ, हाँ बनानी थी, संडे को मैं नहीं आ सका था, तो कमिंग वीक में इंशाल्लाह मैं बना दूंगा, ठीक है? हालांकि संडे को मैंने बनानी थी। इंशाल्लाह बना दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अभी ये ठीक हो रहा है, अभी ये फेल हो रहा है कि ये ठीक हो रहा है। टिंडे कहाँ पहुँचे हैं? टिंडे हाफ कुक हो गए हैं, हाफ कुक देखें। अच्छा, इनको आपने पलटा दिया था? हाँ, मैंने पलटा दिया था ताकि दूसरी साइड से भी, वैसे ये अपनी भाप में मसाला जो है वो वहीं पे रुक गया है, मसाला वहीं रुक गया है, वो नहीं गिरेगा। ठीक है, टिंडो को पलटा दिया था आपने 10 मिनट के बाद, बस अब देखिए ठीक होना शुरू हो गया है, अब जरा और जरा ठीक हो जाए तो फिर उसको इसमें ही डाल देंगे सारा, ठीक, चूल्हा बंद करके। बहुत अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट सी रेसिपी है। अच्छा, क्योंकि इसमें अंडे हैं तो मैं इसलिए वैनिला एसेंस यूज करती हूं, वैसे आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। एप्टाबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? जी शुक्र है, मैंने पहले भी एक दफा कॉल की थी। जी जी, मुझे याद है। भाई मैंने ये पूछना है कि ये जो खमीर होता है और ये सोडा वगैरह, इसमें क्या फर्क है? खमीर एक सोडा अलग चीज है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा वो अलग चीज है, खमीर ईस्ट होती है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, थोड़ा येलोइश कलर का, वो हम राइजिंग करने के लिए होता है, पकौड़ों के लिए आप सोडा यूज करते हैं या बेकिंग सोडा केक्स में भी हम डालते हैं, ठीक है? लेकिन ये खमीर जो होता है जो हम डो बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, या आप वो बनाना चाहें, नान बनाना चाह रही हैं, पिज्ज़ा बना रही हैं, उसके लिए यूज़ होता है। जी भाई, दूसरा ये पूछना था जी, ये हम सोडा वाटर खुद बना सकते हैं, अगर आप तरीका बता दें तो? क्या मेरी बहन, दोबारा बताइएगा। ये सोडा वाटर जो है, ये हम खुद बना सकते हैं? नहीं, खुद नहीं बना सकते, क्योंकि वो उसमें कुछ केमिकल्स डलते हैं, वो कंपनीज, आप नहीं बना सकते वो खुद से ना सोडा वाटर, वो उससे नहीं बनाएगा, जो सोडा होता है वो अलग चीज होती है। मैं पूछना चाह रही हूं। नहीं, वो आप नहीं बना सकते बिल्कुल भी ना।
थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अब ये ठीक होना शुरू हो गया जी, बिल्कुल लग भी नहीं रहा। मुसलसल स्पून चलाते रहे क्योंकि पानी है नीचे, तो इस वजह से कोई खतरे की बात नहीं। अच्छा, बेकिंग में और क्या क्या बनाती हैं आप? केक्स, ब्रेड, बच्चे और पिज्ज़ा ब्रेड शौक से खाते हैं। चिकन ब्रेड, चिकन ब्रेड जी, पिज्ज़ा ब्रेड जी, पिज्ज़ा ब्रेड ठीक है। पिज्ज़ा डिफरेंट वो या कोई डिफरेंट अगर बच्चे कहते हैं मतलब फ्लेवर वाइज टिक्का आप मतलब दो तो केक ही सेम ही होती है, उसमें ऊपर से आप वेरिएशन कर देते हैं। ब्रेड चिकन वाली बनाते हैं वैसे, ब्रेड या बंस बनाती हैं? जी जी, मैं बनाना ब्रेड और वैसे बंस कीमे वाले बन अच्छा, इस टाइप के ठीक है जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अजीजा बोल रही हूँ। कहाँ से? गुलाब नगर जी। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, समोसे के बारे में बात करनी थी। अदी समोसन जे बारे में गलाइणो आ? हां, छा पूछणो है? समोसा तरीका बस। समोसा त रमजान में मु केतरा ठाइण सिखारिया, समोसन जी जेका डो हुंदी आ वो ठाइण सिखारी, ता मुझे पेज ते रिसी वटो। हाने तो कुछ पूछणो है त पूछी वटो। हां, छा पूछणो है? समोसा के बारे में और पूछनी है। समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। सब इसमें अब मैं जो ना एक टी स्पून डालूंगी वनीला से जी, बस बस एक ढक डालूंगी। हाँ डाल दें, ये एक ढक्कन वनीला से उसका डालने वही एक टी स्पून के करीब ही बन जाएगा। टी स्पून के करीब होगा ठीक है। वो अंडों की स्मेल थोड़ी सी, अंडों की स्मेल खत्म करने के हम केक में भी डालते हैं वनीला से ठीक है। वनीला एसेंस डाला है, अंडों की जो स्मेल होती है हमेशा मैं भी कहता हूँ अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए वनीला एसेंस यूज करते हैं। तो ये अब गाढ़ा होने लग गया है, अब देखिए इतना ठीक हो गया है कि मैं इसको इस तरह से करूंगी तो ये थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बस सारी मेहनत इसी जो प्रोसीजर है ये वाला जो है स्टेप, इसमें सारी मेहनत है। अच्छा, ये बच्चों से ना करवाएं, खुद करें। गर्म इतना होता है इसका, जरा भी लग जाए स्किन बर्न हो जाती है। बच्चों से ही काम ना कराएगा, खुद किया करें। बच्चों को शौक होता है कि हम भी करें हेल्प आउट, वो बहुत एहतियात किया करें। ये बिल्कुल अब ठीक होना शुरू हो गया ठीक है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, क्योंकि कोको पाउडर भी दो टाइप के होते हैं, तो ये चूंकि डार्क जो कोको पाउडर था तो मैंने तीन टेबल स्पून लिए हैं ठीक है। आप अगर लाइट एक थोड़ा लाइट ब्राउन होता है वो हाफ कप भी ले सकते हैं। अच्छा, वो हाफ कप लेते हैं ठीक है। ये जो डार्क इन्होंने डाला है कोको पाउडर, ये थ्री टेबल स्पून है, और अगर लाइट वाला जो गोल्डन सा ब्राउन होता है वो आप हाफ कप डाल सकते हैं ठीक है। कोको पाउडर इजीली मिली वेंदो आ, चॉकलेट पाउडर हुंदो आ, कोको पाउडर मार्केट में मिलंदो आ, हर जगह मिली तो आने। और मैंने कहा ना अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, किसी भी ब्रांड का चॉकलेट डाल दें वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। किसी भी ब्रांड का चॉकलेट लेके वो भी इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए जी, मतलब आप देख लें उसका इतना साइज हो के एक बार के बराबर छोटा ठीक है। अब देखें बस अभी ये डन हो गया। अच्छा, इसमें ही मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेम्परेचर सेट करके और उसमें ये दोनों चीज़ें जी जी ये हम और ये दोनों चीज़ें जाएंगी, थोड़ा सा ये ठंडा होगा ठीक। ये हटा दें बॉयलर जी, ये बॉयलर हटा दें बिल्कुल ठीक है। पानी गर्म था उस पर ये डबल बॉयलर किया है, बहुत मज़े का ये केक बनेगा। और ये हम यहाँ पर हटा देते हैं, टिंडो को एक दफ़ा पलटा दिया था जी, फिर थोड़ा सा जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा के ठीक लगा पे आयो? अल्लाह जो शुक्र आदी के रे कि थंग लायो पया जी। अदा समय ख गलाइन था जी, अदी को फरजा ना थी गनाया जी। अदी ये अदा सा के ना यो चाय की कोई टिप जो जी का मजेदार चाय हो जे आना अदा जो बस के जे तो बटर कप पी बन जे दूध पत्ती चाय या बिल्कुल नॉर्मल चाय? ना ना अदा हुआ दूध पत्ती ना हो, असल में चाय जो हाँ मैं नालो तो नो वी पत्ती जो है ना सुठी ब्रांड की वो या खुली पत्ती भी सुठी मिली है तक अंदाजो होंगे। हाँ। पत्ती जो असल में फर्क हों, चाय जो जो पानी हों ना उनके चंगी तरह पे गरम कंदा कर, कच्चे पानी में मानू विझी छा ना पत्ती, पे पानी के बॉयल कर चंगी तरह, एक कप ब कप पानी खो तो उनमें पत्ती तुम हाफ टी स्पून विझी छो ठीक है। उनके ढक डेई हल्की बाहे से बॉयल कर, खंड भी विझी छो पे हिसाब से, अगर खंड ना पियो तो हल्की बाहे से पत्ती के पचन दियो 8-10 मिनट, लेकिन तेज बाहे से ना कि पानी खुश थे। उनका पोन में खीर कड़ियल विझंदो ना, कड़ियल खीर छाणे पोन के अंदर विझो जितरो तांके खपे, वरी उनके डोई खणी
जो स्पून हों चाय कटो उनके चंगी तरह फेटा रहो हेठ मथे ये कंदे रही पंज अठ मिनट ताई चाय में फ्लेवर अची तो वे सुठो जो फेटन चाय के सुठो जो फ्लेवर इन उनका कटी वो ठीक है थैंक यू ब्रेक जी कॉल अचे पी ब्रेक पे जाना है अच्छा एक शॉर्ट ब्रेक वटूँ तो कड़े जो जेस ती थोड़ा थदो थी में मिक्सिंग अस ब्रेक का कंदा वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक उन पे सामने केक ठाए पे ढो जबरदस्त डबल बॉइलिंग से टींडा मसाले भरा ठन पे ठीक है हबीब कुकिंग ऑयल असा गड हबीब कुकिंग ऑयल जबरदस्त कुकिंग ऑयल है बनस्पति घी भी तमाम बेहतरीन है सामू यूज क्या वही सोता हाँ दिसूँ किथे पौत आयो आप बताइएगा क्या हो रहा है मिक्सचर जो था ये थिक हो गया रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है और ये हो भी जाएगा डबल आप बिस्किट्स डालने चॉप किए हुए 20 अदद बिस्किट्स थे 20 बिस्किट थे ये इसके अंदर मिक्स कर दिए ठीक है 20 अदद बिस्किट हुआ इनके अंदर मिक्स करे छड़ा और ये पीनट्स ये भी एक कप थी पहले आप अगर थोड़ा बचा लें टॉपिंग के लिए ठीक है ये पीनट डाल दिए अच्छा इसको जो है मैं मिक्स करने के बाद किसी भी मोल्ड में जिसमें आपने जमाना है या शेप देना है इसको आप किसी भी शेप जैसे इससे मैं इसको ये वाला ले लें या एक ये वाला ले लें थोड़ा इसकी हाइट छोटा ये वाला ले लें हाँ इसको थोड़ा सा ग्रीस करके ऑयल से वैसे मैं बटर से करती हूँ ऑयल दोनों से कर सकते हैं आप ठीक है ऑयल से या बटर से इसको ग्रीस कर दें अच्छा जब ये सेट हो जाएगा तो इसको बिल्कुल निकाल के जिसे आपने सर्विंग करनी है वो करके ऊपर से आप पीनट्स भी डाल सकते हैं और ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है स्प्रिंकल्स हर टाइप के आप ये भी यूज कर सकते हैं ठीक है और ये काफी सारे शेप्स के भी होते हैं बस इसमें ये मैं डालकर और इसको तकरीबन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में तकरीबन 1 घंटा रख दें 1 से 2 घंटे तक ना ये सेट हो जाता है बहुत जल्दी ठीक है ठीक है मोल्ड कोई भी हो राउंड में ले लें या स्क्वायर में ले लें घर में कोई भी आपके पास गहरी डिश हो या मोल्ड हो केक के बस अब ये जो है फ्रिज में चला जाएगा जी जी कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर बस क्या हाल है साहब अल्लाह जी शुक्र है केने किथा गलाया पया साई नदीम जी बोला है सियालकोट का सियालकोट का जी जी कुछ चेंज चाहिए दो हां बात सुनवानी है बारे में थोड़ी बताई मां रहती भी सारे मां पान को ना मुताबिक रखते कोशिश कर रहे हैं छाजे बारे में सियालकोट में सर अचार कोरमा ना सिनवारी के बारे में सिनवारी में दुपे जी हां हां सिनवारी उन्हें जी थोड़ी रेसिपी बताए सर जो अचारी सिनवारी छा कढ़ाई अच्छा हां सिनवारी कढ़ाई सिनवारी हेलो ठीक है थोड़ी देर पिशावरी कढ़ाई है सिनवारी कढ़ाई थोड़ी देर में वो बताए तो टीवी पर उन्होंने ठीक है थैंक यू हाफिज अच्छा ये बताइएगा पूरा मैंने इसको मोल्ड में से निकाल के और पहले ये पहले से बना हुआ है ये मैं पहले से बना कर लाई थी क्योंकि ये फ्रिज का है सेट है इस वजह से बस इसको आप उल्टा करके और इसके पर मैंने पीनट्स डाली है आप इसके पर कुछ भी डाल सकते हैं ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं ठीक है और बस ये रेडी है ठीक है ये इन्होंने पहले से बना के लाई है क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा वो जो हमने बॉल में निकाला हुआ ये सेट होगा ये देखें अभी इसमें टाइम है दो इसको फिर 1-2 घंटे फ्रिज में 2 घंटे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपको फ्रिज में रखना है ठीक है इसके ऊपर टॉपिंग करके इसको आपने फ्रिज में रखना है ये पहले से बना के लाइए ताकि आप लोग देख सकें इसका रिजल्ट ठीक है ये पैरिंग का ठाई आंदो है आई सेम एड़ो ही ठाइंदो ये डिश आउट थे पे और इसको ओवरनाइट आपने रखना है या 2 घंटे कम से कम फ्रीजर में भी रख सकते हैं फ्रीजर में भी रख सकते हैं मैंने आपसे कहा ना कि आपको जरा जल्दी है गेस्ट आने हैं आपके बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है बहुत ही इजी रेसिपी है ये जो है ना इसको फ्रीजर में रख दे फ्रीजर में काफी सेट हो जाता है और बहुत जल्दी सेट हो जाएगा फ्रीजर में ठीक है बहुत अच्छी कटिंग के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है ठीक है ये हमारा कम्प्लीट हो गया है और इसको हम रखते हैं टेबल पे अब टिंडो की बारी है इसकी रेसिपी आप रिपीट करा दें केक की हमने तकरीबन आधा किलो टिंडे थे उसमें हमने हाफ टीस्पून डाला है कलौंजी
और एक टीस्पून डाले हल्दी का, थोड़ा सा एक टेबल टीस्पून ने चिकन पाउडर डाला है और हल्दी डाली है एक टीस्पून, एक से डेढ़ टेबल टीस्पून हमने डाला है इसमें मिर्चें, आप अपने हिसाब से ले लें। और देखिए गल गए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बस ये सब मसाले डाल के इसके अंदर आपने एक बड़ी प्याज या दो प्याज आपको चॉप कर लें, दो बड़े टमाटर चॉप कर लें, आधी कप जो है इसमें ऑयल जाएगा, बस ऊपर से इसमें ज़रूर जाएगा ये लेमन, क्योंकि थोड़ा सा खटास से ना बहुत अच्छा देता है फ्लेवर। देखा सर अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने अभी खा के देखा, ऐसे लग रहा है जो किसी ब्रांड की चॉकलेट होती है ना, स्टफ्ड होती है अंदर, उसमें चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो ऐसे भी डिश आउट करते हैं, दैट इज़ ज़बरदस्त है केक, तो ज़रूर ट्राई कर जो चॉकलेट लगे पाई खाने में, अंदर पीनट्स हैं, इसमें आलमंड भी डाल सकते हैं ना जी, आलमंड जो भी आप ड्राई फ्रूट डालें, ये मैं भी डाल देती हूँ ताकि हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, हरी मिर्च डाल दी, दम पे हरा धनिया जाएगा, ये चीजें मैं हटा दूं, लेमन जरूर जाएगा जी, हटा दूं। ठीक है, बहुत ही इजी केक था लेकिन थोड़ी मेहनत है, 20 मिनट आपने इसको पकाना है, अंडे का जो है ना, केक की भी रेसिपी रिपीट करा दें। केक तो बहुत इजी है, आपने एक कप लेना है बलाई, घर में जो बचाए बन जाती है वो बलाई, एक कप आपने शुगर लेना है, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, और आपने 3 टेबल स्पून डार्क कोको पाउडर, वरना हाफ कप आप इसको नॉर्मल कोको पाउडर दे सकते हैं, 20 बिस्किट्स आ लेने हैं आपको इसके हार्ड वाले, और पीनट्स लेनी है 1 कप, और 1 टीस्पून आपने लेना है वनीला एसेंस। ठीक है, सबसे पहले आप डबल बॉयलर पे इस पे 3 चीज़ें डालेंगे, शुगर और कोको पाउडर और बलाई, इसको मिक्स कर लेंगे जब तक शुगर मेल्ट हो, जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो उसमें आप डालेंगे एग्स, अच्छा एग्स को आपने बहुत अच्छी तरह कुक करना है कि वो थिक हो जाएं, जब वो अच्छी तरह थिक हो जाएंगे तो आप उसको बॉयलर से उतार के उसमें आप बिस्किट्स और पीनट्स इसमें मिक्स कर लीजिएगा और बस फिर इसको सेट कर दीजिएगा, और सेट करने के बाद फिर इसे रूम टेम्परेचर पे रखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट फ्रिज में, जल्दी है तो फ्रीजर में रख दें वरना फ्रिज में ओवरनाइट भी पड़ा रहेगा। बहुत ही जबरदस्त चॉकलेट की तरह बिल्कुल लग नहीं रहा कि केक है, ऐसा लग रहा है चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, और आप पीनट के अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट आपको यूज करना हो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, जो भी आपका। ठीक है, अब ये इसका हो गया, आपने इसकी बता दी, ठीक है, इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी रेसिपीज आपने बनाई, बहुत ईजी रेसिपीज बनाई जी, इसको ऑफ कर देते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़रूर ट्राई कर जो सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो आए, रिपीट में रिसीवर जो, और कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे इसे अपलोड कर दूँगा रेसिपी विद राइटिंग के साथ, आप देख सकते हैं, और इजी रेसिपी है, बहुत यमी सी रेसिपी है। टिंडे बिल्कुल गल गए जी, सक्खर से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, टीवी जो वॉल्यूम बंद कर, न तो लाइन थी वही ना ड्रॉप, ॾिसो टीवी जो वॉल्यूम बंद कंदा कयो, न त तव्हांजी लाइन फॉरन ड्रॉप करे थी छॾंदा, छाकाणि त डिस्टर्ब थिए थी सॼी लाइन, डिस्टर्ब थिए थी ॻाल्हि, पंहिंजी आवाज़ु ॿुधण लाइ कॉल न कंदा कयो, तव्हांखे एॾो शौक़ु आहे त पोइ तव्हां रिपीट बि ॾिसी वठंदा कयो, ऐं यूट्यूब ते असांजो पूरो अपलोड थी वेंदो प्रोग्राम, तव्हां हुते बि ॾिसी सघो था। ठीकु है, यही लें डिश, यही लें तो वो कैमरे में, इसको बस उतारने से पहले थोड़ा डालना था, मैं थोड़ा बोली जी। हैदराबाद से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हम आपको शो बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। थैंक यू वेरी मच, रेसिपी में फॉलो कर रही हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपके शो में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा कराची, ये भी आई है जी जी, आप पेज पे हैं ना मेरे जी, पेज पे हैं आप मेरे, पेज पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स में, तो जो भी डिटेल है क्या बनाना है अपने आप आ सकती हैं। ओके थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल शेफ महवेश आ रही हैं, ठीक है, वो अपनी रेसिपी शेयर करेंगी, और फिर संडे को भी हैदराबाद से गेस्ट आ रही हैं, वो भी अपनी रेसिपी शेयर करेंगी, आप आना चाहें इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकती हैं, ठीक है, इनबॉक्स में मैसेज करें, अपनी रेसिपी का नाम बताएं, और फिर आप इंशाल्लाह जब भी आना होगा तो आपको डे बता देंगे, टाइम बता देंगे, तो आप आ सकती हैं। ये टिंडे हमारे तैयार हो गए ज़बरदस्त है, ठीक है, आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत ही यमी,
बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल डिफरेंट से रेसिपी है। अब थैंक यू वेरी मच, आप आई इतनी दूर से आई, इतनी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की। इंशाल्लाह फिर ईद का भी आप बता रही थी कि बीफ मटन में कुछ आप बता रही थी रेसिपीज, तो इंशाल्लाह बकरीद से पहले भी प्रोग्राम करेंगे तो इनको बुलाऊंगा मैं, तो अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी। आप भी अगर आना चाहती हैं बकरीद के हिसाब से कोई रेसिपी बनाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इंशाल्लाह कल नई रेसिपी के साथ, नई शेफ़ के साथ मुलाकात होगी, वो क्या बनाएंगी वो आप देखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है, रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कियो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सॼी वीडियोस मिली वेंदियूं। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो, सुभाणे बि गेस्ट आहिनि, पंहिंजी रेसिपी ठाहींदियूं, दुआनि में यादि रखिजो। इनशाला सुभाणे मुलाक़ात थींदी, अलाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।